यहाँ से हम इसको, ये देखिए हमारी काज पट्टी बन गई है और ये अंदर के साइड हमने कपड़े को दबा दिया है और यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई है पट्टी की। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। ये हमारा असल है और ये कपड़ा है। तो हम ब्लाउज बना रहे हैं, उसकी चेस्ट है 32 और कमर है 28, बाजू है 4, मोरी है 12। तो मैं आपको और भी इसमें तरीका बताऊंगी। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चेस्ट का भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अस्तल की कटिंग करेंगे, उसके बाद कपड़े की। तो देखिए पहले हमें कपड़ा 80 सेंटीमीटर लेना है। अभी हमारा अस्तल है वो 75 सेंटीमीटर है। अगर आप थान में से कपड़ा कटवाएंगे तो 80 सेंटीमीटर लीजिए। तो सबसे पहले हम पीछे का पल्ला निकालेंगे। तो देखिए जैसे हमारी पीछे की लंबाई है वो 13 इंच की है, तो हम यहाँ पे लंबाई ले लेंगे अपनी 14 इंच की। आपके पीछे से ब्लाउज की लंबाई जितनी हो उससे आप 1 इंच ज़्यादा लें। तो यहाँ पे देखिए 13 इंच लंबाई है तो हम 14 इंच ले रहे हैं। ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 6 इंच के और इसको हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब आरूमल वो भी 6 इंच। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे हम, 32 चेस्ट है तो 8 इंच पे निशान लगा लेंगे हम यहाँ पे। ये हमारा फिटिंग का हो गया चेस्ट का निशान। अब हम यहाँ पे 1 या 1.5 इंच लेंगे सिलाई के लिए, तो हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 इंच। अब यहाँ पे ये हमने चौकुटा निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे 1/2 इंच का यहाँ से गोलाई का शेप दे लेंगे। ये हमारी यहाँ से गोलाई हो गई और आरूमल। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे, वो 2.5 इंच की लेंगे। गले की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 8 इंच की लंबाई लेंगे। 8 इंच हमारी ये लंबाई हो जाएगी गले की। अब इसमें हम यहाँ पे गोलाई में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये पीछे का पल्ला तो हमारा निकल आया है, अब हम इसको रखेंगे और आगे का पल्ला निकालेंगे। तो इसी को हमें इसको ही रखना है हमें। तो देखिए आगे के पल्ला में हम यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसेस कट में जो हमारी यहाँ पे कटिंग करेंगे तो उसमें हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा, तो हमें चेस्ट से 1 इंच ज़्यादा लेना है। जो पीछे की चेस्ट है हमारी, तो इसमें हमने ये गुंजाइश ली है 1 इंच की, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच की। तो पीछे के पल्लत से हमें 1 इंच आगे का पल्लत ज़्यादा लेना है। ये हम यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लेंगे और लंबाई में भी हम ज़्यादा लेंगे इसको, तो लंबाई में हम लेंगे यहाँ पे 2 इंच ज़्यादा नीचे की साइड। अब देखिए आरूमल ये हमारे पीछे के उतना ही हमने यहाँ पे आरूमल पर निशान लगा दिया है। अब हमें गले की चौड़ाई का और गले का निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारे शोल्डर है वो 6 इंच के हैं, तो पीछे की भी हमारे 6 इंच के थे तो आगे की भी ये 6 इंच के हैं। और चेस्ट है हमारी यहाँ पे 10 इंच और जो हमने पीछे का पल्ला लिया था वो 9 इंच पे निशान लगाया था और यहाँ पे ये 10 इंच पे लगा हुआ है, तो 1 इंच हमने पीछे के पल्ला से ज़्यादा लिया है चौड़ाई में। अब देखिए हम इसको रखेंगे यहाँ पे, तो
यहाँ पे जो पीछे की हमारी जो चेस्ट है उससे हमने यहाँ पे 1 इंच ज्यादा लिया है आगे के पार्लर में कटिंग के लिए। अब हम यहाँ पे गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। जैसे हमने आगे की, जैसे हमने पीछे की चौड़ाई ली थी 2.5 इंच की, तो आगे की चौड़ाई भी हम 2.5 इंच की लेंगे। अब गले की लंबाई हम यहाँ पे लेंगे 6 इंच की। ये हमारी गले की लंबाई हो गई और इसमें हमारा ये गोलाई का शेप हो गया। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, 13 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे एक सीधा निशान लगाएंगे 13 इंच पे। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे प्लेट का। जैसे ये हमारा 8 इंच है तो इसको हम इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे ये 4 इंच होगा। 8 इंच का हम आधा करेंगे तो 4 इंच होगा, तो 4 इंच पे हम यहाँ पे प्लेट का निशान लगा लेंगे। ये हमारा प्लेट का निशान हो जाएगा। और यहाँ पे लगाएंगे हम टक्स का निशान 10 इंच पे। ये हमारा 10 इंच पे निशान हो गया टक्स का। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 6 इंच पे। तो इसको हम इस तरीके से मिला देंगे प्रिंसेस कट की, जो प्रिंसेस कट का हमारा ये शेप है इस तरीके से मिला देंगे। अब हम यहाँ पे जो प्लेट डालेंगे उसका निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हमें 4 इंच की चौड़ाई छोड़नी है। अब हम यहाँ पे लेंगे, जैसे हमें प्लेट डालनी है, गहराई में प्लेट डालनी है, तो 2 इंच पे डालेंगे हम यहाँ पे, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे इस तरीके से। यहाँ पे तो हमारा जितनी हमारी चेस्ट है उसका हम आधा कर लेंगे, तो 4 इंच तो हमारा यहाँ पे होना ही चाहिए। जो जब भी तो ये हमारी प्लेट बीच में आएगी तो यहाँ पे जैसे हमने फिटिंग का जो हमारी सिलाई आएगी तो वो यहाँ पे 8 इंच पे आएगी, तो हमें यहाँ पे 4 इंच रखना है। 4 इंच इसलिए रख रहे हैं कि ये प्लेट हमारी बीच में आनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे बीच में आ जाएगी ये सिलाई। अब हम यहाँ पे तीरे का निशान लगाएंगे, तो 1 इंच हम ऊपर लेंगे। ये हमारी ये सीधा निशान है, तो इसमें हम यहाँ पे 1 इंच इस तरीके से ऊपर लिया है और इसमें हमारा ये तीरे का निशान हो जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो पहले हमें यहाँ से कटिंग करनी है। अब करेंगे हम यहाँ से तीरे की कटिंग। अब आरोमल की भी हमें कटिंग करनी है, वो मैं आपको स्टिचिंग में बताऊंगी कि कैसे हमें कटिंग करनी है, और इसकी भी कटिंग हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे हम तीरे की कटिंग कर लेंगे क्योंकि 32 चेस्ट है, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच रखेंगे तीरा। इसको काट लेंगे, अभी हमारा तीरा हो गया और ये आगे का ऊपर का पल्ला है और ये पीछे का। अब हम निकालेंगे बाजू। तो देखिए यहाँ पे हमारे असल की चौड़ाई है वो 16 इंच की है। अब जैसे हमें बाजू की लंबाई 4 इंच की रखनी है तैयार, तो ये हमारा यहाँ पे 5.5 इंच है, तो 1.5 इंच ज्यादा है, तो वो हमारा सिलाई में जाएगा और कटिंग में। देखिए 16 इंच की हमारी ये चौड़ाई है। अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे और ये डबल है, तो यहाँ पे इसको हम एक बार और डबल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच लेंगे हम नीचे की साइड। यहाँ से हमने 3 इंच लिया है और इसको हम ऊपर की साइड ले जाएंगे गोलाई में इस तरीके से। अब हम यहाँ पे 5 इंच की लंबाई रखेंगे कपड़े की और इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया है। अगर आप यहाँ पे बाजू चौड़ाई में रखना चाहती हैं
तो आप यहाँ पे कम भी ले सकते हैं, 2.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं कटिंग का। अगर आप यहाँ पे कम चौड़ाई रखना चाहते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे जो नीचे की साइड है कम चौड़ाई पसंद है, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं कटिंग का। अब हम यहाँ से कटिंग कर लें। अभी हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब हम साड़ी के जो, अब हम ब्लाउज का जो कपड़ा है उसको काटेंगे। अब कपड़े को हमें डबल करना है। ये बंद वाली साइड है तो यहाँ पे हम पीछे का पल्ला रखेंगे। अब हम यहाँ पे पीछे का पल्ला रखेंगे बंद वाली साइड पे, जो हमारा ये बंद है यहाँ पे हम पीछे का पल्ला रखेंगे। अगर आप पीछे के हुक का प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगी। आप पीछे के हुक का भी ब्लाउज प्रिंसेस कट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गले की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे आगे का पल्ला रख लेंगे। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है और इसमें सिलने में ज्यादा परेशानी नहीं, इसको सिलने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है। ये हमारा नीचे का तीरा है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बाजू को रखना है तो इसके कपड़े की चौड़ाई कम है तो हमें इसको यहाँ पे रखना पड़ेगा। यहाँ पे रख लेंगे। अब ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए हमने सिलाई लगा ली है अस्तर और कपड़े पे। अब यहाँ से हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। तो पहले अस्तर के बराबर कटिंग कर लें कपड़े की। अभी मैंने आरुमल की कटिंग नहीं की है, अभी नाप के बाद में हम आरुमल की सही से कटिंग करेंगे। अब देखिए हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है। बराबर करके रख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो कपड़े की चौड़ाई है वो 11 इंच की है और यहाँ पे जैसे हमें 32 इंच की हमारी ये फिटिंग है, 32 इंच की चेस्ट है यहाँ से, तो हमने इसको आधा करके यहाँ पे 8 इंच है तो हमने ये 4 इंच पे निशान लगाया है। अब हम यहाँ से 4 इंच पे हमने ये निशान लगाया है। अब हम इसका पहले हम यहाँ से कटिंग करेंगे।
देखिए यहाँ पे हमारा ये 2 इंच है, तो 2 इंच हम यहाँ पे प्लेट के लिए कटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारा पफ अच्छा आ जाएगा। इसको अब हम इसको जोड़ेंगे, यहाँ से नीचे से हमें इसको जोड़ना है। अब देखिए हमने इसको जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे देख लेंगे कि हमारी यहाँ पे चेस्ट कितनी है, तो हमें 8 इंच यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। आधा इंच हम यहाँ पे रखेंगे क्योंकि इसमें हम पट्टी लगाएंगे हुक वाली और काज वाली, तो आधा इंच छोड़ के यानी कि 8.5 इंच पे हम इसको देख लेंगे। 8.5 इंच है ये, देखिए यहाँ पे ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा, और ये हमारा 1 इंच मिल जाएगा हमें सिलाई के लिए। अब ये हमने सिलाई लगा ली है, अब इसी तरीके से दूसरी साइड जोड़ेंगे। अगर हमें ज्यादा पफ बनाना है तो हम यहाँ पे और थोड़ा सा सिलाई में इसको यहाँ से प्लेट दबा देंगे। तो ये 32 चेस्ट है, तो हमारा यहाँ पे पफ सही है। अगर आप चाहें तो ये कपड़े पे दबा के भी सिलाई लगा सकती हैं। अब इसको भी हमें नीचे से ही जोड़ना है। कपड़े को दबा के भी ऊपर से अगर सिलाई लगाना चाहें तो यहाँ पे हम सिलाई लगा सकते हैं ऊपर से। अभी दोनों साइड, अभी हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें तीरा लगाएंगे, नीचे का जो तीरा है, तो तीरा लगाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। 1/2 इंच हम यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरीके से लेंगे। इसको हमें इस तरीके से निशान लगाना है। अब इसमें हम नीचे का तीरा लगाएंगे। अब देखिए तीरे पे हमने ये सिलाई लगा ली है, नीचे की साइड अस्तर और तीरे पे। अब हम इस पे अंडरग्राउंड सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरीके से जोड़ के और एक सिलाई लगा लेंगे। अब अस्तर के बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमें यहां से तीरे को जोड़ना है, यहां से इस तरीके से।
अब इसके ऊपर हमें तीरे को रखेंगे। अब यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे जिससे हमारा ये तीरा नीचे की साइड दब जाए। ये मेरा सिल्की कपड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे तीरे के ऊपर सिलाई लगा दी है। अगर आप सिलाई ना लगाना चाहें तो ऊपर से सिलाई ना लगाएं। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से तीरे को जोड़ेंगे। अभी हमने तीरे को जोड़ लिया है, अब लगाएंगे हम इसमें हुक वाली पट्टी और काट वाली। अब देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच की पट्टी ली है तो इसको हम अंदर की साइड दबा देंगे। अब दूसरी साइड काज वाली पट्टी बनाएंगे। अभी हमारे कपड़े की चौड़ाई है 5 इंच की। अब हम इसको डबल करेंगे। और यहाँ पे रखेंगे। इसको यहाँ से अंदर की साइड दबाएंगे। अब यहाँ से हम इसको, ये देखिए हमारी कारपट्टी बन गई है और ये अंदर की साइड हमने कपड़े को दबा दिया है। और यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई है पट्टी की। अब देखिए यहाँ पे हम इसको रख के इस तरीके से देख लेंगे और गले की लंबाई भी नाप लेंगे, हमारी गले की लंबाई कितनी है। अब देखिए यहाँ पे हमारी गले की लंबाई है 6.5 इंच है। और आरूमल की अब अच्छे से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए 3 इंच लेंगे, शोल्डर की चौड़ाई 3 इंच की रखेंगे और इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे आरोमल की। अब देखिए हमारे ये आरोमल की कटिंग हो गई। अब हम इसमें पीछे का पल्ला जोड़ेंगे।
देखिए हमने सीधे के ऊपर अस्तल को रख के पहले एक हमने सिलाई लगा ली है और उसके बाद हमने अस्तल के ऊपर भी सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरीके से करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे अस्तल और कपड़े के ऊपर। अब अस्तल के बराबर हम कपड़े की सही से कटिंग कर लेंगे। अब पीछे की साइड भी हम प्लेट डालेंगे। अब देखिए पूरे पे हमने सिलाई लगा ली अच्छे से। अब यहाँ पे हम जो बंद वाली साइड है यहाँ से निशान लगाएंगे 4 इंच पे, तो इसमें हम पीछे की साइड प्लेट डालेंगे और इसकी लंबाई रखेंगे हम 4 इंच की, 4 इंच की लंबाई रखनी है। दोनों साइड हमने निशान लगा लिए। अब इसके बाद हम इसमें आगे का पल्ला जोड़ेंगे। यहाँ से शोल्डर से हमें आगे का पल्ला जोड़ना है। अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 इंच दबाना है क्योंकि हमने 1 इंच लिया है कपड़ा अलग से सिलाई के लिए, तो 1 इंच हम यहाँ पे इस तरीके से दबा लेंगे। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से निशान लगा लेंगे 1 इंच पे। अब देखिए हम कमर का नाप लेंगे, तो ये पट्टी को छोड़ के हमें कमर का नाप लेना है। यहाँ से देखिए हमारी कमर बराबर है। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा खोल लेंगे। बाजू के लिए पहले हमें जो हमारा ये सीधा है कपड़ा इसके ऊपर हमने अस्तल की बाजू रख के पहले एक सीधी सिलाई लगा ली है। अब इसको हमें कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगानी है अस्तल के ऊपर।
अब इसको हम इस तरीके से करेंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे सिलाई। अब अस्तर के बराबर हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू लगाएंगे, तो बाजू लगाने से पहले हमें आरूमल के ऊपर रख के बाजू को नापना है, कहीं हमारी बाजू छोटी तो नहीं या बड़ी तो नहीं। तो पहले हमें इस तरीके से बाजू लगाने से पहले नापना चाहिए, तो इस तरीके से हम इसको नापेंगे। देखिए हमारी ये बाजू बराबर है। अब हम बाजू लगाएंगे, ये हमारा सीधा है, सीधे के ऊपर हम ये बाजू को रखेंगे। अब देखिए हमने बाजू लगा ली है, अब हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो जैसे हमारी बाजू 12 इंच की है चौड़ाई में, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमें 6 इंच पे निशान लगाना है और इसको हमें स्टिचिंग में जो हमारी ये सिलाई है उसमें जोड़ देंगे इस तरीके से। अभी हमने फिटिंग कर ली बाजू की, अब दूसरी साइड बाजू लगाएंगे इसी तरीके से। ये देखिए हमारी बाजू बराबर लगी है। अब हम यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। दोनों साइड हमने बाजू लगा ली, अब हम इसमें लगाएंगे गले में बॉर्न पट्टी। अब देखिए हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो हम इसको तिरछा करेंगे। यहाँ से कुन्नी से हमें इसको तिरछा करना है।
अब देखिए हमने यहाँ पे चौड़ाई ली है पट्टी की, वो 1.5 इंच के लिए है। और ये जो पट्टी हमारी तिरछी कटी हुई है, तो हमें ये तिरछे टाप में इसको जोड़ना है। इस तरीके से जोड़ेंगे तिरछे में। अभी हमारा सीधा है और यहाँ से हमने इसको बराबर कर लिया है। अब देखिए गले के ऊपर हम ये पट्टी को रखते हुए सिलाई लगाएंगे। आधा इंच पट्टी को बाहर की साइड रख देंगे। पट्टी लगाने के बाद अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये अंदर का कपड़ा है, इसको दबाते हुए हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। अब देखिए हमने अंदर का जो कपड़ा है वो दबाते हुए सिलाई लगा ली है, पूरी पट्टी पर लगा ली है। एक गले की पूरी पट्टी है उस पर सिलाई लगा ली है। अब जो ये पट्टी का ज्यादा कपड़ा है उसको काट लेंगे। अब देखिए पट्टी अंदर का कपड़ा है वो दबा दिया है पट्टी से। अब हम इसकी बोन पट्टी बनाएंगे। अगर आप बोन पट्टी सही से बनाना चाहते हैं तो पहले आपको कपड़े को अंदर वाले को दबाना है पट्टी में। अभी अंदर वाला कपड़ा दब गया है हमारा, देखिए पट्टी में। अब हम इसकी बोन पट्टी बनाएंगे, इसको अंदर की साइड जो कपड़ा बाहर निकल रहा है। अब हमें थोड़ी थोड़ी पट्टी बोन पट्टी बनानी है और सिलाई लगानी है। ज़्यादा बड़ी हम पट्टी को नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा सा ही बनाएंगे और सिलाई लगाएंगे।
अब देखिए हमारी ये पाइपिंग बन के तैयार है, बिल्कुल पतली पाइपिंग बनी है। अब देखिए अंदर का कपड़ा हमारा इस तरीके से है। अब यहाँ पे हम अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अब देखिए ये बन गया हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।